मरियम और बिलावल भुट्टो के वजीर आजम बनने के कोई चांसेस नहीं, किसी बड़ी सियासी शख्सियत की मौत हो सकती है। इमरान खान जायचे के मुताबिक बहुत मजबूत हैं, लेकिन ऑडियो लीक और वीडियो लीक का सिलसिला अभी और चलेगा। माहिरे इल्मे नजूम की अहम पेशगोईयां, साल 2023 हुकूमत के लिए कैसा होगा। माहिरे इल्मे नजूम हुमायूं महबूब ने अपनी पेशगोईयों में बताया कि उनकी गुज़िश्ता बरस की गई पेशगोईयां अल्लाह के करम से दुरुस्त साबित हुई। इस बार भी उनका कहना है कि 17 जनवरी के बाद मुल्क के सिस्टम और डायरेक्शन में तब्दीली देखी जा सकेगी। हुमायूं महबूब ने एक और बड़ी पेशगोई की कि साल 2023 में एक बड़ी सियासी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद नहीं होगी। मौत तबई होगी या गैर तबई, ये तो अल्लाह को मालूम है, लेकिन मौत हो सकती है। उनका मजीद कहना था कि नवाज शरीफ रवां साल वतन वापस आएंगे, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज मुझे वजीर आजम बनते नजर नहीं आ रहे, जबकि मौलाना फजलुर रहमान की किस्मत में अगर सदर बनना होता तो वो अब तक बन चुके होते। दुनिया से मुतालिक उन्होंने कहा कि जंगी माहौल बनना शुरू हो जाएंगे, दुनिया की मईशत और बीमारियां भी फैलेंगी। अल्लाह ताला की नाराजगियों का इजहार आने वाला वक्त दुनिया में दिखाएगा।